one major negative with IMT, which I don't think a lot of people talk about in the reviews that I have seen, is service experience with Kia has been wonderful. Iski jo headlights ki throw hai, it is probably the worst among all the other cars. The suspension is very comfortable. The car literally glides over potholes. Hello everybody. हमारे सामने आप देख सकते हो किया कैरेंस है, और ख़ास बात इस कार की यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल कार है। अगर आप एक फैमिली कार मार्केट में ढूंढ रहे हो तो इससे बेटर ऑप्शन अराउंड 20 लाख के नीचे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं जो कि आपकी जो बेसिक चेकलिस्ट है वो फुलफिल कर देती है। तो वक्त हम बर्बाद नहीं करने वाले, इनके जो ओनर हैं इनको हम बुलाने वाले हैं, उनसे पूरी बातें करने वाले हैं कि उन्होंने कार क्यों लिया, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस थे, सब कुछ ए टू जेड। ठीक है, तो पहले हाय हेलो तो अपना नाम बता दीजिए सर। यस, माय नेम इज दीपांजन बैनर्जी एंड आई एम टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड वी बॉट दिस किया कारेंस इन द मंथ ऑफ मे 2023। क्यों आपने ये कार चूज की, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या थी? हाँ जी, तो बेसिकली वी ओन टू अदर कार्स एज वेल, वी हैव अ इको स्पोर्ट एंड अ मारुति एग्निस, बट बोथ आर फाइव सीटर कार्स एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ कार टू डू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। लाइक व्हेन आई से लॉन्ग डिस्टेंस आई मीन रियली लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे यहाँ से राजस्थान जाना हुआ या साउथ इंडिया जाना हुआ कोलकाता से, एंड वी वॉन्टेड अ कार वेयर वी कैन नॉट ओनली टेक विथ अस बहुत सारा लगेज बट अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोग भी कंफर्टेबली बैठ पाए, एटलीस्ट 5-6 पीपल। सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस टू बाई दिस कार वॉज वी वेर लुकिंग फॉर अ कार जो हमें हेल्प करेगा लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग के लिए, एंड ऑफकोर्स रिलायबल हो, थोड़ा सा कम्फर्टेबल हो एंड ऑल दैट। सो दीज वेर प्राइमरीली आवर क्राइटेरिया। ठीक है, तो उस वक्त मार्केट में आपने बाकी ऑप्शन की तरफ नहीं देखा? एब्सोल्युटली देखा। सबसे पहले तो and I'll be very honest, our initial choice was XUV 700, okay, in that price bracket, because in that 2021 price bracket mein uska bhi acha khasa ek model mil jata, ya thoda sa agar extend bhi karte to top end bhi mil jata uska, XUV 700 ka, and I generally feel that XUV 700 is a better car to drive than Karens, even though I am a Karens owner, but I'll still say that XUV 700 is a better car to drive, both in terms of steering response, the engine response and all that. Wo 200 horsepower aapko feel hoga uska. But having said that, the biggest deal breaker for us in terms of why we did not choose XUV 700 was uske third row mein koi space hi nahi hai, and ours is a very tall family. Like I am 6'4". My father is above 6, my mom is like 5'9", so we are a very tall family, so we needed that space, and XUV 700 mein wo space hi nahi hai. I might be nitpicking there, but I genuinely feel that XUV 700 mein there are some basic features which are missing. For example, auto dimming IRVM nahi aata ek itni expensive car mein, ventilated seats nahi aata, we had no fascination for a sunroof and all that. ये हाँ भी सनरूफ है, एक नाम का छोटा सा सनरूफ है, कोई काम का नहीं है, वी नेवर ओपन इट। पैनारोमिक सनरूफ भी जो गाड़ियों में आता है, आई फील दैट आप ड्राइव करते करते थोड़ी ऊपर देख के गाड़ी चलाओगे। एग्जैक्टली, एज सिंपल एज दैट। सो दैट वाज नॉट इन आवर लिस्ट ऑफ फीचर्स दैट वी वांटेड, बट वेंटिलेटेड सीट या ऑटो डिमिंग IRVM, आई फील दैट दीज आर फीचर्स दैट यू वुड एक्चुअली यूज। ऑल्सो वन मोर रीजन, द टेस्ट ड्राइव कार दैट वी वर ड्राइविंग XUV 700 का, पेट्रोल, ऑफ कोर्स वी वांटेड टू बाय अ पेट्रोल, दिस इज आल्सो पेट्रोल, दैट वाज गिविंग अ माइलेज ऑफ 6.6, तो एंड ऑफ कोर्स इट्स अ हैवी कार, 200 हॉर्स पावर कार, तो सिटी में अगर वो ऐसा दे तो आई गेस इन द लॉन्ग टर्म यू नो आप आधा खर्चा आपका चला जाएगा सिर्फ पेट्रोल भरवाने में। एंड जस्ट टू ऐड टू इट, वी डिड नॉट कंसीडर टाटा सफारी बिकॉज़ इट ओनली कम्स विद डीजल। तो Hyundai की जो Alcazar है वो आपने नहीं देखा? वी वेंट टू द Hyundai शोरूम एंड ऑल दैट। Alcazar में भी द सेम इशू, थर्ड रो हैज एब्सोल्युटली नो स्पेस। Alcazar सस्पेंशन इज अ लॉट मोर स्टिफर देन Karens. Karens सस्पेंशन इज अ लॉट मोर कुशन, यू फील द बम्स अ लॉट लेसर। एक्चुअली वी डिड नॉट बाई Karens बिकॉज वी वॉन्टेड टू बाई Karens. वी बॉट Karens बिकॉज वो थियोरी ऑफ एलिमिनेशन से जो कार हमारे यूज केस में फिट आई,
तो वो उस समय पता चला कि कारेंसी फिट आ रही है, स्पेस बहुत अच्छा है इसमें फॉर टॉल पीपल लाइक अस, थर्ड रो में इतनी स्पेस मिल जाती है एंड फीचर्स एंड ऑल दैट। या चलो बहुत बढ़िया, वीडियो के एंड में हम आपको स्पेस वगैरह भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि आप लॉन्ग ट्रिप्स में काफ़ी जाते हो, इस वजह से आपने एक बड़ी कार ली है, ठीक है, बट लॉन्ग ट्रिप्स में आपको नहीं लगता कि डीजल कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी कॉस्ट के मामले में? यस, इसीलिए आपने पेट्रोल क्यों लिया, आपको डीजल लेना चाहिए था उस हिसाब से? सो देयर आर टू थिंग्स टू इट, एक तो हमारी रनिंग उतनी भी ज़्यादा नहीं है विच विल यू नो वारंट अस टू परचेज अ डीजल कार। हम लोग का साल में 10,000 ही चलेगा क्योंकि वी हैव टू अदर कार्स एज वेल, वो भी यूज़ होती है। अच्छा। सेकेंडली आई थिंक यू नो आप जब ड्राइव करोगे आपको थोड़ा सा ये पंची लगेगा क्योंकि डीजल में क्या है कि सोनेट में वेन्यू में भी 1.5 लीटर वही डीजल इंजन लेते हैं, एक 7 सीटर गाड़ी में भी हुंडई किया वही सेम डीजल इंजन दे रहे हैं जो 115 हॉर्स पावर का है। इसमें क्या है, यू एक्चुअली फील दैट 160 प्लस हॉर्स पावर। करेक्ट। तो एंड द टॉर्क इज ऑल्सो सिमिलर विद द डीजल इंजन ऑफ किया एंड हुंडई जो 250 प्लस टॉर्क, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा पंची लगेगा। तो पॉजिटिव्स आपने कार की काफ़ी बता दिया है, बहुत अच्छी कार है, बहुत प्रैक्टिकल कार है, अब रियल लाइफ कुछ नेगेटिव्स इसकी है जो आपने एज अ यूजर फेस किया है? एब्सोल्युटली, बताइए जरा। नेगेटिव्स तो सबसे बड़ी नेगेटिव बिकॉज वी ओन अ फोर्ड इको स्पोर्ट एज वेल, ब्रांड्स लाइक फोर्ड्स, स्कोडास एंड वीडब्ल्यूज, दीज ब्रांड्स आर नोन फॉर बिल्डिंग वेरी रोबस्ट कार्स, राइट, स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा रोबस्ट होते हैं इनके कार्स। करेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चरली उतनी टफनेस फील नहीं कराएगी, यू नो लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू ड्राइव एन एक्सयूवी 700 और अ सफारी, आपको वो कार में वो फीलिंग रहेगी कि यू कैन गो एनीवेयर विद दैट कार इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ द रोड्स आर। एब्सोल्युटली, ठीक है, बट दिस यू नो गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सॉफ्टनेस, दिस इज अ वेरी सॉफ्ट कार, यू नो इट्स नॉट अ कार विच यू कैन एक्चुअली यूज फॉर रफ यूजेज और रफ रोड्स उस हिसाब से, हालांकि चली तो जाएगी लेकिन आई फील दैट द कार इज नॉट स्ट्रक्चरली बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग सो दैट यू कैन टेक इट एनीवेयर। जो मेरे को जो कॉन्फिडेंस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो इको स्पोर्ट है दैट इज 3.5 ईयर्स, बट जो कॉन्फिडेंस मुझे इको स्पोर्ट में आता है कि मैं कहीं भी उसको लेके चले जाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस मेरे को इस कार में नहीं आती। अच्छा, हेडलाइट का इसका जो रिस्पॉन्स LED, तो वो आपने रात में टेस्ट किया है कभी? यस, दैट इज ऑल्सो वन मोर नेगेटिव, आई थिंक इट्स अ ह्यूज नेगेटिव। इसकी जो हेडलाइट्स की थ्रो है, इट इज प्रॉब्ली द वर्स्ट अमंग ऑल द अदर कार्स, आई मीन ऑल द कार्स दैट वी हैव ओन्ड एज वेल एंड अभी भी जो ओन करते हैं, सबसे घटिया इसकी हेडलाइट की थ्रो है। आई कैन रिलेट टू दैट बिकॉज़ आई ओन दिस। कुछ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब रात को कुछ भी दिखाई नहीं देता, एंड आई एम नॉट एबल टू फिट ऑक्सिलरी लाइट्स बिकॉज वारंटी का अगर इशू आ गया अलग से वायरिंग एंड ऑल दैट। तो इसकी सर्विस वगैरह कैसी होती है, सर्विस एक्सपीरियंस आप बता दो, और जो एवरेज कॉस्ट होता है एक बेसिक जो ईयरली चेकअप होता है उसका? हाँ जी, तो मेरी कार तो अभी तक 7,000 ऑट चली है, मई में परचेस हुआ है, तो इन हाउ मेनी मंथ्स, इन 7-8 मंथ्स में 7,000 प्लस चली है हमारी कार। ओके। तो इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट मुझे जो लग रहा है, अभी भी फर्स्ट ऑयल चेंज सर्विस होना बाकी है, बट आई थिंक इट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 5,000-6,000 रुपीज, वही लग रहा है प्रोजेक्टेड कॉस्ट। वैसा ही होना चाहिए अगर फालतू की चीजें वो लोग ऐड ना करें तो। Exactly. और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जो फ्री सर्विस आपने करवाई है, टाइम पे कार मिल जाती है? हाँ, टू बी रियली ऑनेस्ट, सर्विस एक्सपीरियंस विद किया हैज बीन वंडरफुल, इवन द सेल्स एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, यू नो लाइक दे रियली वैल्यू कस्टमर्स, आपको मतलब जाके ही दे विल ट्रीट यू रियली नाइसली, मतलब लॉन्च वगैरह उनका बहुत कंफर्टेबल है, दे विल आस्क यू मल्टीपल टाइम्स फॉर चाय कॉफ़ी एंड ऑल दैट, सो आपको एक वो फीलिंग अच्छा आता है, यू नो लाइक इट्स नॉट अ डर्टी डिंजी प्लेस, बहुत ही वेल केप्ट है, एंड यू नो दे गिव यू कॉन्स्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप कि आपकी कार में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऑयल चेंज भी अगर हो रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स का मैंने देखा कि दे एक्चुअली सेंड यू व्हाट्सएप वीडियोज कि आपका ऑयल चेंज कर रहे हैं एंड ऑल दैट, and multiple follow-ups होता है service के बाद भी, amazing I would say, 10/10। कार की जो अंदर की fit and finish है वो आपको कैसी लगती है, कोई rattling noise अभी तक आई है? नहीं, to be really honest, no, in fact the fit and finish of the car is so good that I feel that it can actually challenge a car which is a segment above as well,
आई जेन्युइनली फील दैट इन टर्म्स ऑफ यू नो लाइक हाउ थिंग्स हैव बीन पुट टुगेदर. बहुत अच्छी लगती है फिट एंड फिनिश. साउंड क्वालिटी बोस की स्पीकर्स की जो साउंड क्वालिटी है दैट्स ऑल्सो रियली नाइस. द डिस्प्ले एंड ऑल दैट, कभी भी कोई इशू. एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वर्क सीमलेसली. आज तक कोई डिस्कनेक्शन कुछ भी नहीं, कोई इशू नहीं. वेंटिलेटेड सीट वर्क्स रियली वेल. ऑटो डिमिंग IRVM हर समय वर्क करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है. दैट्स फैंटास्टिक. इसीलिए लोग किया को लेते हैं क्योंकि जो फीचर्स ये लोग देते हैं पूरा R&D करके देते हैं, कि ऐसा नहीं कि चलते चलते बंद पड़ जाए. बढ़िया बात. तो आपने ये लिया है टर्बो के साथ IMT, करेक्ट? हाँ जी. तो अब आप बता दीजिए इसका जो इंजन है और ये गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन है, ये आपको कैसा लगता है? सी IMT, आई वुड से इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं. पॉजिटिव मेरे को जो लगता है, आपको सिटी में ना आपको चलाना बहुत ज़्यादा हैसल फ्री होता है बिकॉज कोई क्लच नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, IMT एक ऐसा गियरबॉक्स है, आई हैव फेल्ट अभी 7,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो मुझे लगा है, इट इज़ नॉट अ गियरबॉक्स विच अलाउज यू टू डू एंथुजियास्टिक ड्राइविंग. बट द इंजन इज सो पावरफुल दैट इट कॉम्पेंसेट्स फॉर दैट. हाउ एवर, वन मेजर नेगेटिव विथ IMT विच आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इन द रिव्यूज दैट आई हैव सीन इज इन द रिवर्स स्लोप्स. रिवर्स स्लोप्स में अगर आपकी गाड़ी आप रिवर्स में उठा रहे हो पीछे कोई स्लोप में, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये आपकी गाड़ी पहली बात तो रिवर्स गियर में या तो एक ही जगह थमती नहीं है, नीचे मतलब लुढ़कना स्टार्ट हो जाती है गाड़ी. ओके. इससे प्रॉब्लम क्या होता है, यू विल प्रेस द एक्सेलरेटर और आपको आपके पास क्लच नहीं है टू मॉड्यूलेट. इससे क्या, हाफ क्लच करके आप एक जगह स्टैंड स्टिल करके आप जो पीछे कार को धीरे धीरे ले जाओगे क्लच छोड़ते छोड़ते, वो होता नहीं है. यू विल प्रेस द एक्सेलरेटर एंड उसके ऊपर क्या होता है कि बिकॉज इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव स्लिपेज होती है व्हील्स की, बट एक्सेलरेटर इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ. ये अगर थोड़ा सा भी, इट्स अ पावरफुल इंजन, आप ज़्यादा एक्सेलरेटर प्रेस करोगे तो यू नो लाइक झट से पीछे चली जाएगी, बी जर्की. So that's the only negative that I see with IMT. No lack of enthusiastic driving and reverse slope में वो problem. ये आपने बहुत एक important बात share की है क्योंकि मैंने भी personally कभी भी ये negative किसी के मुँह से नहीं सुना, तो लोगों को ये पता चलना चाहिए. So thank you for that. और कार का ओवरऑल कम्फर्ट आपको कैसा लगता है? सीटों का ले लो, स्पेस तो आपने बता दिया काफ़ी बेहतरीन आपको मिलता है सेगमेंट के हिसाब से, सीट कैसी है इसकी? हाँ जी, तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आई एम समबडी 6'4", तो मेरे लिए तो हेडरूम अच्छा ही है. कम्फर्ट इज़ गुड. हम लोग 4,500 किलोमीटर लास्ट मंथ ही ट्रैवल करे थे. यहाँ से जयपुर गए थे, कैलकटा से जयपुर गए थे, फिर जयपुर से दिल्ली होके हम लोग वापस आए. वी हैड ले ओवर्स इन लखनऊ, आगरा, वाराणसी. सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. द कार वॉज एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल. माई मॉम वॉज सिटिंग इन द बैक सीट सेकेंड रो में. लगेज पूरा हमारा था पीछे थर्ड रो को फोल्ड करके. And me and my dad were sitting in the front seat. So it was very comfortable. The suspension is very comfortable. The car literally glides over potholes, I would say. And very stable as well, you know. And the engine is super, super smooth, super refined. Aapko overtaking karne mein koi problem nahi hogi. चलो बहुत बढ़िया. मतलब जिस purpose से आपने कार ली थी, आपको एक spacious and comfortable family car चाहिए थी, वो purpose ये भरपूर मात्रा में पूरी कर रही है. Absolutely. That's great. तो स्पेस की बात करें, आपने बताया आपकी 6'4" हाइट है. हाँ जी. Which is very tall. फिर भी आप पीछे देख सकते हो सेकेंड रो में कितना बेहतरीन आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है. मैं जरा एक बार बैठ के दिखा देता हूँ. मेरी भी ऑलमोस्ट 6 feet हाइट है, फिर भी मेरे को मिल रहा है इतना सारा स्पेस. मेरे पास अब भी देख सकते हो नी रूम बाकी है, लेग रूम भी अच्छा खासा है और कार की अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है. और सीट की खास बात यही है कि आगे पीछे भी जाती है, ये और भी पीछे जा रही है और चाहते मैं इसको आगे भी कर सकता हूँ, फिर भी मेरे पास स्पेस बच रहा है. इसीलिए बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल ऑप्शन है आज की तारीख में मार्केट में. ठीक है, तो इसकी जो माइलेज है वो आपको कितनी मिल रही है रियल लाइफ में? आपके ड्राइविंग का कंप्लीट इफेक्ट तो माइलेज में आता ही है. इफ़ यू आर इन द मूड कि आपको एंथुजियास्टिक ड्राइविंग करना है इसके साथ, कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट करके चलना है इस गाड़ी में, तो माइलेज सिंगल डिजिट्स में आ जाती है, राइट? लेकिन इफ़ यू आर ड्राइव सेडेटली नॉर्मली, देन आपको शहर में मेरे को जैसे मिल रहा है, इनफैक्ट आई वुड लव टू शो यू दी MID एज वेल. इट्स बीन 120 किलोमीटर्स जब से मैंने रिफ्यूएल करा है.
एंड सिटी ड्राइविंग हो रही है तो मेरे को 12 का माइलेज मिल रहा है अभी पेट्रोल में, और हाईवे में यही माइलेज मेरे को मिल रही है आपका 16 और 17 के बीच। काफ़ी सही है, इतनी बड़ी कार है, टर्बो पेट्रोल के साथ है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज आपको मिल रही है, स्पेशली सिटी में 12 का इस इंजन से निकालना। हाँ 11-12 बड़ी बात है। सेकेंड रो में बैठ के मैंने आपको दिखा दिया कैसा स्पेस वगैरह है, अब भैया बैठेंगे थर्ड रो में। हाँ जी, दिखाने वाले हैं कि एक 6 फीट 4 इंचेस के बंदे के लिए कितना स्पेस है। इसमें थर्ड रो में एंटर करना काफ़ी ईजी है क्योंकि जो टंबल का बटन है वन टच से देखो सीट हो जाती है टंबल, तो बहुत प्रैक्टिकल ये चीज़ बन जाती है। अब ज़रा काइंडली पीछे बैठ जाते हैं भैया और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो हेडरूम इनको मिल रहा है ऑलमोस्ट एक उंगली का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये वाली सीट रिक्लाइन भी हो जाती है, रिक्लाइन एंगल भी इसका काफ़ी तगड़ा है, बहुत ये रिक्लाइन हो जाती है। अब तो भरपूर मात्रा में हेडरूम है, लेग रूम भी आप देख सकते हो, ये वाली जो सीट है ये डिसेंट सी पोजिशन पर है, एक नॉर्मल पोजिशन पर, इनको टच तो हो रहा है लेकिन बहुत अनकम्फर्टेबल नहीं हो ना। नहीं नहीं बहुत अनकम्फर्टेबल नहीं है, मतलब आई एम एक्चुअली सिटिंग ऑन दिस रो फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे हाइट के लिए लॉन्ग जर्नी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक 5-10 तक का इंसान आराम से यहाँ बैठ के लॉन्ग जर्नी कर सकता है। हाँ वो सही बात है, बहुत लंबे होंगे तो देख सकते हो थाई सपोर्ट इनको कम मिल रही होगी क्योंकि इनका पैर ऊपर की तरफ उठा है, लेकिन एक डिसेंट हाइट का बंदा 5-8 तक उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, भरपूर मात्रा में उसको स्पेस और कंफर्ट मिलेगा। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने ब्लैक कलर की कार ली है तो इसको मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होती? बहुत बहुत मुश्किल होती है इसको मेंटेन करने में, ये तो धुलने के बाद जितनी सुंदर लगती है गंदी होने के बाद उतनी ही खराब लगती है। इसको मेंटेन करना, आई मीन इफ यू रियली मतलब डोंट हैव द एनर्जी टू यू नो कि कार को थोड़ा डस्टर से वाइप कर देने में वो एनर्जी आपको नहीं है निकलने से पहले, तो डोंट बाय अ ब्लैक कार। बहुत बहुत थैंक यू अपना टोटल ऑनेस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जाते जाते एक चीज़ आप बता दो कि अगर किसी को किया कैरेंस लेना है तो किन वजह से उनको लेना चाहिए, और अगर किसी को नहीं भी लेना चाहिए तो वट आर द रीजन्स ड्यू टू विच ही और शी शुड अवॉइड बाइंग दिस कार। एब्सोल्युटली, अगर आपकी प्रायोरिटी कम्फर्ट रिलायबिलिटी एंड आई वुड से कम्फर्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पेस एंड राइड क्वालिटी रिलायबिलिटी, अच्छी फीचर पैक्ड गाड़ी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर किया कारेंस। बट अगर आपको एक एंथुजियास्ट गाड़ी चाहिए, और अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको ये फीलिंग दे कि आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो, मतलब वो टफनेस दे, then this car is not meant for you. Thanks a lot अपना टाइम देने के लिए और सब कुछ शेयर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है then thanks for watching.